दाखला नंबर 9 भागीदारो आपवामां आवेला छे अनिल अने मुकेश प्रमाण बोलो केटलुं छे 6:4 6:4 एटले एने कहेवाय 3:2 वार्षिक हिसाबो तैयार करो टिक मार्क करो सौथी पहेला आपेलो छे शरूआत नो वेपार उधार खरीदी वेपार उधार मुसाफरी खर्च एमा बे व्यक्ति ना मुसाफरी खर्च आपेला छे पहेलो बोलो शेनो छे अने बीजो कोनो छे अनिल कोण छे भागीदार नो मुसाफरी खर्च क्या लखाय छे फाळवणी उधार अने सेल्समेन मां शुं लखाशे नफा नुकसान उधार लारी भाड़ू वेपार उधार वटाव अने कसर नफा नुकसान उधार धर्मादा नफा नुकसान उधार करवेरा नफा नुकसान उधार बैंक ओवरड्राफ्ट नु व्याज नफा नुकसान उधार स्थिर मिलकत मिलकत लेना रोकड़ तिलक पागड़ी बैंक कमीशन नफा नुकसान उधार देवादार पगार नफा नुकसान उधार उपार छगड़ियो कौंस शो दुकान भाड़ू वेपार उधार उपार छगड़ियो कौंस बोलो क्या लखाशे मूओ जाहिरात नफा नुकसान उधार मूड़ी छगड़ियो कौंस मूड़ी जमा वेचाण वेपार जमा खरीद परत ख माइनस बैंक खाते शू कहवाय आने बैंक ओवरड्राफ्ट धारो के उधार साइड आपे तो शू कहवाय मूड़ी देवा लेनदार मूड़ी देवा मित्रनी लोन मूड़ी देवा आना पर व्याज गणाशे शू काम नहीं गणाय टकावारी आपेली नथी वटाव नफा नुकसान जमा कमीशन पण नफा नुकसान जमा आखर स्टॉक डे सर वेपार जमा मिलकत लेना 500 नी उघराणी वसूल थई शके तेम नथी आने बोलो शुं कहेवाय गलखात डे माइनस अने गा प्लस दुकान भाड़ू 30/4/20 सुधीना 12 मासनुं छे काचा सरवैयानी तारीख जो तो कई आपेली छे 31/3 सुधीनो खर्चो लेवाय आ लोकोए क्यां सुधीनो लीधेलो छे ओछो लीधेलो छे के वधारे केटला महिनानो वधारे चुकव्यो एने कहेवाय अगाउथी चुकवेल दुकान भाड़ो बोलो केटलो छे दुकान भाड़ो केटलो आपेलो छे 1800 ने गुणिया કેટલા મહિના નો એક મહિના ને એક ના છેદ માં 12 150 અગાઉ થી ચૂકવ્યું તો દુકાન ભાડા માંથી માઇનસ અને બીજી અસર પાકા સરવૈયા માં મિલકત લેણા મિત્ર પાસે થી લોન પર 250 વ્યાજ ચૂકવવાનો બાકી છે જો હવાલા માં આપ્યું છે નફા નુકસાન ઉધાર અને મૂડી દેવા अनिल ने दर महीने 400 धंधाना हेतुसर मुसाफरी खर्च पेटे आपवाना छे एक महीनाना 400 तो 12 महीनाना केटला 4800 थवा जोईए ऊपर जो तो अनिल नो मुसाफरी खर्च छे केटलो केटला घटा एने कहेवाय चूकववानो बाकी फाळवणी उधार मूड़ी जमा मूड़ी पर 10% उपाड़ पर 5% मूड़ी नो व्याज मूड़ी नी नीचे उपाड़ नो व्याज वेपार खाता नी उधार बाजू पहला शू लखाय शुरुआत नो स्टॉक बोलो केटलो 22/50 पछी बोलो शू आपेलू छे खरीदी वेपार उधार
इनर कॉलम। वेचाण क्या लखाशे? वेपार जमा वेचाण 2 लाख। केम आउटर कॉलम लख्यु? वेचाण परत छे। हवालो छे कोई? मूड़ी खाता नी जमा बाजू शुं लखाय? बाकी आगळ मूड़ी नी रकम केटला? अने मूड़ी खाता नी उधार बाजू शुं लखाय? उपाड़ खाते रकम 6000 अने हवाला नंबर 1 आखर माल नो केटली स्तर आवे? नी पहली वेपार खाता नी आखर नो स्टॉक 25 600। बीजी स्तर पाका सरवैया मा मिलकत आखर नो स्टॉक 25600। एनी पछी रेवादार पर शू गणवानुं छे? गलखात। गलखात ए रेवादार माथी बोलो शू थाय? रेवादार नी रकम आपो 18000। माइनस शू लखाय? गलखात हवालो रकम बादबाकी 17। साचा सरवैया मां गलखात आपेली होय 25650। गालखाद આપેલી હોય કાચા સરવૈયાની અંદર, એની અંદર આપણે શું કરાય? પ્લસ। તો કાચા સરવૈયામાં જો ને ગાલખાદ આપેલી છે, નથી આપેલી તો ડાયરેક્ટ લખાશે ગાલખાદ હવાલો। રકમ બોલો કેટલી? નંબર दुकान भाड़ू 12 महीना नु चौथा महीना सुधी नु छे। खरेखर लेवाय कया महीना सुधी नु? 3 नहीं, त्रीजा महीना सुधी नु लेवाय। आ लोको ए कया महीना सुधी नु लीधु? 4 महीना नु नहीं, चौथा। 4 महीना नु नथी, जो 12 महीना नु छे, आपेलु छे, जो स्पष्ट आपेलु छे, छे 4 महीना नु आपेलु छे एवुं कही शकाय नहीं, आपेलु 12 महीना नु छे। त्रीजा महीना सुधी नु भाड़ू चुकवु पड़े, चौथा महीना सुधी नु भाड़ू चुकव्यु छे, एटले 1 महीना नु भाड़ू वधारे चुकव्यु, एने कहेवाय अगाव थी चुकवे। दुकान भाड़ा नी रकम आपो 1800। माइनस बोलो शुं लखाशे? अगाव थी चुकवेल दुकान भाड़ू रकम 150। बाद बाकी नियम बोलो, अच्छो माइनस मिलकत लेना अगाव थी चुकवेल दुकान भाड़ो 150। नेक्स्ट, मित्र पासे थी लोन पर 250 व्याज चुकवानु, नफा नुकसान खाता नी उधार बाजू, लोन पर व्याज रकम 250 चुकवानो बाकी, चुबा प्लस मुडे चुकवानो बाकी, लोन नो व्याज 250। अनिल ने दर महीने धंधा ना हेतु सर मुसाफरी ना केटला आपवाना छे? अनिल एटले भागीदार छे, भागीदार नो मुसाफरी खर्च नफा नुकसान में आवे के फाळवणी में? फाळवणी में लखाशे अनिल नो मुसाफरी खर्च। बोलो केटलो? 1800 आपेलो छे ने, 3800 आपेलो छे। दर महीना केटला थवा जोईए? 400। तो 400 गुणिया 12 करो, 4800 चुकवा पड़े, एमा 3800 चुकवी दीधा छे, 1000 चुकवाना। आउटर कॉलम केटला आवशे? क्रॉस एंट्री 3800 नी आवे के 4800 नी? कया खाता नी कई बाजू?
मूड़ी देवा नफा नुकसान फाड़वनी नी उधार तो एनी क्रॉस एंट्री क्या आवे लखाशे मुसाफरी खर्च अनिल ना खाना मा आगळ मूड़ी पर केटला टका 10 मूड़ी नो व्याज मूड़ी नी नीचे मूड़ी पर व्याज 10 टका 3,000 and 2,500. What is the upad? What is the upad? Lakhashe upad per vyaj. How much? 6,000 and 5,000. And 300 and 200 cross entry. Padavani jama. Upad per बाजू में बैठा का अनिल 300 ने अने मुकेश 200 सरवाळो मूड़ी पर व्याज नी क्रॉस एंट्री क्या आवे फाळवणी नी उधार मूड़ी पर व्याज रकम बोलो पहली 3000 अनिल मां अने मुकेश मा केटला सरवाळो आगळ हवाला पूरा शुरुआत नो स्टॉक खरीदी आवी गयो चलो मुसाफरी खर्च कोनो आवी गयो कोनो बाकी क्या आवशे नफा नुकसान नी उधार सेल्समेन नो मुसाफरी खर्च 6,000 पची लारी बाड़ो खरीदी नो खर्च एटले व्यापार खाता नी पहला रकम आपो खरीद परत एटलो खरीद परत ने 1500 बात करो 167 लारी भाड़ो बोलो 9,200 नेक्स्ट बन्ने बाजू छे वटाव अने कसर उधार बाजू नफा नुकसान नी उधार 5,200 5,600 नेक्स्ट धर्मादा खर्च खर्च एटले नफा नुकसान नी उधार धर्मादा खर्च 12,000 करवेरा खर्च एटले नफा नुकसान नी उधार 15,500 बैंक ओवरड्राफ्ट नो खर्च केवाय एटले नफा नुकसान नी उधार केटलो 8 नेक्स्ट मिलकत ने क्या लखाई घसारो केवो कई छे स्थिर मिलकत 51,250 रोसी बेसी पास मिलकत लेना 44,50 पागड़ी अदृश्य मिलकत मिलकत लेना 30,000 कमीशन छे ने उधार बाजू होय तो खर्च कहेवाय के आवक नफा नुकसान नी उधार बैंक कमीशन 750 देवादार मिलकत लेना आवी गया दुकान भाड़ो नन्नो उधार आवी गयो पगार खर्च एटले नफा नुकसान नी उधार 2,500 खर्च एटले नफा नुकसान नी उधार जाहिरात खर्च 200 बैंक खाते जमा साइड छे ने तो शू कहेवाय एने बैंक ओवरड्राफ्ट मोड़ी देवा 5,000 लेणदार पण पाका सरवैयामां मोड़ी देवा 2,250
लोन जमणी बाजू छे तो बधी असर, डाबी बाजू एटले पाका सरवैयामां मूड़ी रकम केटला 3500। नेक्स्ट जमा बाजू छे ने, नफा नुकसान नी जमा वटावानी कसर 2250, कमीशन नफा नुकसान नी जमा छे कोई विगत? बन्ने बाजू सरवाळो जो तो सरखो छे, सरखो छे ने? गया दाखला मां सरखो हतो ने, एक वखत ઉપલક ખાતે લખેલું વેપાર નું ટોટલ 3,05,650। કાચો નફો કૌંસમાં નફા નુકસાન ખાતે લઈ ગયા રકમ, ક્રોસ એન્ટ્રી નફા નુકસાન ની જમા શું લખાશે ત્યાં? કાચો નફો કૌંસમાં વેપાર ખાતેથી લાવ્યા 1,26,950, 1,29,750 ઘટતી રકમ 76,800। ફાળવણીની જમા ચોખ્ખો નફો કૌંસમાં નફા નુકસાન ખાતેથી લાવ્યા 76,800, સરવાળો 77,300, ઘટતી રકમ 67,000। શું કહેવાશે આને? વિગતમાં લખાશે વેચણી પાત્ર નફો। અનિલ અને મુકેશ 3:2 ને, ફાળવણી કેટલા? 40,200, 26,000, ક્રોસ એન્ટ્રી આવશે, ફાળવણી ની અંદર ઉધાર સાઈડ છે તો મૂડીમાં જમા બાજુ, વિગતમાં લખાશે વેચણી પાત્ર નફો 40,200 અને 26,800, અનિલ નો ટોટલ 74,200, ઘટતી રકમ 67,900, એની સામે બાકી આગળ લઈ ગયા મુકેશ 56,300, 50 પાકા સરવૈયામાં ક્યાં લખાશે? મૂડીને મૂડી રેવા મૂડી ખાતા, અનિલ અને મુકેશ, અનિલ ની રકમ 67,900 અને મુકેશ 50,100, 1,18,000, 1,29,000।